want to really thank God for this wonderful opportunity that God has given to all of us to worship together. और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अद्भुत क्षण दिया कि हम उसकी आराधना करें हम सभी एक साथ. I know it's a very difficult time and people are at home, they are locked down, but yes, no matter, we can stay at home, but we don't have to stay in fear. और मुझे ये पता है कि ये बहुत ही मुश्किल का समय चल रहा है, हम सभी इस तालाबंदी के दौरान घर में हैं, लेकिन आप घर पर रहें, लेकिन डर में ना रहें. हालेलुया, हालेलुया. God has not given us the spirit of fear, but he has given us the spirit of freedom, spirit of boldness. और परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, लेकिन हमें साहस की आत्मा दी है. Hallelujah. Hallelujah. This morning I want to speak to all of us on God acts at the right time. और आज के सुबह मैं बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है. God acts at the right time. और परमेश्वर सही वक्त पर काम करता है. You know that once Jesus was with his disciples. और एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे. And they called him to let's go for a party. Let's go to have some meal. और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि चलो हम एक साथ भोजन मनाने एक भोजन खाने के लिए आनंद मनाने के लिए. So there was a wedding there actually, and the disciples called Jesus, let's go there. और एक शादी चल रही थी और वहाँ पे चेलों ने बोला यीशु मसीह को चलिए हम सभी एक साथ. Jesus said that this is not the right time. और यीशु मसीह ने बोला कि ये सही समय नहीं है. For you every time is the right time. और तुम्हारे लिए सब समय सही समय है. But I act according to the right time. लेकिन मैं हमेशा सही समय के अनुसार काम. If you have Bible in your home with you, you can hold this Bible in your hand. यदि आपके पास बाइबल है घर में, आप इस बाइबल को अपने हाथ में ले लें. और मेरे साथ ये बोलेंगे, बोलिए ये मेरी बाइबल है. ये मेरी बाइबल. इसमें जो लिखा वो सत्य है. तुम लोग बोल सकते हैं क्यों ना, तुम लोग यहाँ पे जो बैठे हो, बोलिए ये मेरी बाइबल है. ये मेरी बाइबल है. इसमें जो लिखा वो सत्य है. इसमें जो लिखा है वो सत्य है. इसमें जो लिखा वो मैं हूँ. इसमें जो लिखा है वो मैं हूँ. इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ. इसमें जो लिखा है वो मैं कर सकता हूँ. आज मैं परमेश्वर का वचन को सुनूंगा. आज परमेश्वर के वचन को सुनूंगा. और मैं कहता हूँ, मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है. हालेलुया. So when I'm preaching from here, I have some people here. So I'm preaching for you guys also. Okay, it's not only for those who are online. और जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं. आपके लिए भी मैं प्रचार कर रहा हूँ और ऑनलाइन भी कर रहा हूँ. Okay, so Isaiah chapter 60 verse 22 says. और यशायाह उसका अध्याय 60 का पद 22 इस प्रकार कहता है. It says Isaiah chapter 60 verse 22. और यशा उसका अध्याय 60 का पद 22 इस प्रकार से कहता है. It says the smallest family among you will become a tribe. छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा. The smallest tribe will become a mighty nation. और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा. Hallelujah. The smallest tribe will become a mighty nation. और एक जो दुर्बल सामर्थ्य जाति बन जाएगा. And the smallest family among you will become a tribe. और आपके बीच में छोटा जो परिवार है वो एक जाति बनेगा. And further it says, I am the Lord. When it is right time, I will act quickly. और आगे कहता है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा. God works at the right time. और परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है. Waiting time is not the wasting time. और इंतजार का वक्त बर्बादी का वक्त नहीं. But how we are waiting, that is going to depend whether we will be inheriting what God has set for us or not. और वो इंतजार ही तय करता है हमारे लिए कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसके उत्तराधिकारी हम होंगे. God always and always works at the right time. और परमेश्वर हमेशा और हमेशा सही समय पर काम करता है. When the fulfillment of the time came, Jesus came in this world. और समय की पूर्णता में यीशु मसीह इस संसार में आए. God is always on time. और परमेश्वर हमेशा समय पर रहते हैं. Today people are going on into depression and they are going into many many problems. और आज जो लोग हैं वो निराशा में और कई सारी समस्याओं में पड़े हैं. And we know that the whole world is trying to seek the peace. The whole world is trying to seek something supernatural may happen for them.
और आज वो पूरी दुनिया है वो शांति की खोज में, वो इस खोज में कुछ अलौकिक उनके जीवन में. पीपल आर बीइंग चीटेड और लोगों को धोखा मिल रहा है. दे आर टेकन एडवांटेजेस और उनका लाभ उठाया जा रहा है. पीपल आर फीलिंग हेल्पलेस एंड होपलेस और लोग बेसहारा और उनके पास आशा नहीं. बट आई हैव अ गुड न्यूज़ टुडे बिकॉज़ द बाइबल सेज दैट गॉड acts on the right time. लेकिन आज मेरे पास एक शुभ समाचार है, वो यह है कि परमेश्वर सही समय पर काम करता है. Verse says, I am the Lord. When it is right time, I will act quickly. और यहाँ कहता है कि मैं यहोवा हूँ और समय पूरा होते ही शीघ्रता से पूरी करूँगा. Many times that we don't have patience to wait for the right time which God has set for us. और कई बार हमारे पास इतना धीरज नहीं होता कि जो सही समय परमेश्वर नियुक्त किया है तब तक के लिए इंतजार. Let me tell you this morning that your time is coming and because God works at the right time. और मुझे बताने दे कि आपका समय आ रहा है क्योंकि परमेश्वर सही वक्त पर काम. God has a calendar to work in your life. और परमेश्वर के पास एक कैलेंडर है कि वो आपकी जिंदगी में काम. He knows what you are going to do, what he is going to do, and how he is going to change your life and change the situation in which you are living. और परमेश्वर जानता है कि आप किस परिस्थिति में हैं और आपकी जिंदगी और आपकी परिस्थिति को किस प्रकार बदलना है. Look at this, what Isaiah chapter 14 verse 27 says. और देखिए यशायाह उसका 14 का पद 27 क्या कहता है. Isaiah chapter 14 verse 27. और यशायाह उसका अध्याय 14 का पद 27. It says the Lord, the God of battle, has spoken. Who can change his plan? When his hand moves, who can stop him? This is what the Bible says. और ये बाइबल कहती है क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है. उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है. हालेलुया हालेलुया. Is the Lord of hosts, the Lord of battle has spoken. Who can change his plan? और यहाँ कहते सेनाओं के यहोवा ने उसने युक्ति की है, उसके योजना को कौन बदल सकता है. When his hand moves, who can stop him? और जब उसका हाथ बढ़ाया गया है तो कौन उसे रोक सकता है. So you may be thinking that you are in the pandemic and you are having a lot of problems and stress and depression. और आप सोच रहे हैं कि आप इस महामारी के समय में हैं और आप बहुत ज्यादा निराशा में और उदास हैं. I will tell you that there is a hope that God wants to do something on the right time, and when he is doing, and something amazing will happen, and people will say, oh, surely the Lord's hand was upon this person. और जब समय आएगा तब परमेश्वर कार्य करेगा, और जब परमेश्वर कार्य करेगा तो लोग कहेंगे कि हाँ सचमुच में परमेश्वर का हाथ इस पर बना हुआ. You may be thinking that you are going through the bad sickness of your life. और आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी जिंदगी में सबसे बुरी बीमारी से गुजर रहे हैं. You may be going through the bad financial crisis of your life. हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आप सबसे बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं. And you are trying your best and nothing is improving in your life. और आप अपना सबसे अच्छा कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा आपके. And you have lost something in your life and that place is totally empty and nothing is going to satisfy you anymore. और आपने कुछ खो दिया है और उसका जगह कोई नहीं ले सकता और आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता. God is saying, I am the Lord of hosts and I am going to work quickly in your life. और परमेश्वर कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ और मैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र काम. And I have calendar with me and I am going to work on the right time and things are going to improve and from shame you are going to have the glorious place. और परमेश्वर कहता है कि मेरे पास एक कैलेंडर है जिसके अनुसार मैं सही समय पर कार्य करूंगा और तुम्हारी जो शर्म है वो तुम्हारे लिए एक सम्मान में बदल जाएगा. Some of you are having the lonely nights. और आप में से कई लोग अकेले रात बिता रहे हैं. You may be with the people but still you are feeling very lonely. और हो सकता है कि आप लोगों के साथ तो हैं लेकिन फिर भी अकेला महसूस करते हैं. You are doing right thing but you are never getting the credit. और आप सही कार्य करते लेकिन आपको कभी श्रेय नहीं मिलता. Your child sickness is there and he is not improving in the health. और आपका बच्चा बीमार है और उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हो रहा. And the promotion is not coming. और पदोन्नति नहीं आ रही है. And the salary is not improving. और आपका जो वेतन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही. Let me tell you, the Bible says that God has set a time for you and he will act on the right time. और बता दे कि बाइबल में
परमेश्वर ने ये कहा कि वो उन्होंने आपके लिए सही समय निर्धारित किया और उस समय के अनुसार परमेश्वर काम करेगा. In Psalm number 102 verse 13 it says that there is a time for favor of God. और भजन संहिता 103 के 2 में Psalm number 102 verse 13 और 102 के 12 में इस प्रकार कहता है that there is a time for favor. और एक वक्त होता है अनुग्रह का. There is a set time for the people who believe in God. और जो परमेश्वर में भरोसा करते हैं उनके लिए एक नियुक्त समय होता है. Psalm number 102 verse 13. और भजन संहिता 102 का पद 13. There is time for favor of God. और परमेश्वर के अनुग्रह का एक वक्त होता है. There is a set time for the believers, for those who believe in the name of Lord. और जो परमेश्वर के नाम पे भरोसा करते हैं उनके लिए एक नियुक्त समय है. And you are going to have the explosive blessing because the Bible says that when you are following God with all of your heart, He is not going to hide any good thing for you from you. और क्योंकि बाइबल भी कहता है कि जब आप परमेश्वर के पीछे अपने पूरे हृदय से चलेंगे तो परमेश्वर कोई भी उत्तम चीजें आप आपके जीवन में नहीं छोड़ेगा. Hallelujah. Hallelujah. Did you hear that the smallest family will become a tribe? और आपने यहाँ सुना कि एक छोटा से छोटा परिवार एक जाति में बदल जाएगा. And a tribe will become a great nation. और एक जाति एक महान राष्ट्र में बदल जाएगा. This is not my promise, but this is the promise of the Lord. और ये मेरा वायदा नहीं लेकिन परमेश्वर का वायदा है. God is working on your calendar. He is making what to do in 2020, in the remaining part of 2020, and in 2021, how to do great thing in the life of my children. और परमेश्वर इस चीज की योजना बना रहे कैसे अपने बच्चों के जीवन में जो 2020 के जो बचे हुए समय है 2021 में किस प्रकार से काम करेंगे. Be excited, my friend. और बहुत उत्साहित रहे मेरे Your दोस्तों. Your best day has even not come yet. और आपका उत्तम दिन अब तक नहीं आया. You are not living in your best days. और अब तक आप अपने अच्छे दिनों में आप नहीं जी रहे. When you are fulfilling, when we are fulfilling God's will in your life, when you are following Him, when you are asking the Holy Spirit every day, Lord, show me the what to do on this day, how to fulfill your desire. God says that I am going to make this family a great family. और जब आप हर दिन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से उनकी इच्छा पूछते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे बताए कि मुझे इस दिन क्या करना है ताकि मैं उसके अनुसार करूं तो परमेश्वर आपके परिवार को एक महान जाति में बदलेगा. डेविड वाज 17 ईयर ओल्ड और दाऊद 17 वर्ष का था. व्हेन प्रॉफेट सैमुअल ही केम टू फाइंड द नेक्स्ट किंग ऑफ इज़राइल और जब भविष्यवक्ता शमूएल इज़राइल के अगले राजा की खोज में निकला. सो दिस गाय हु वाज 17 ईयर ओल्ड और ये जो दाऊद था वो 17 वर्ष का था. डेविड हैड 7 ओल्डर ब्रदर्स और उसके 7 बड़े भाई थे. And they were taller, they were bigger, and they were very handsome too. और वो उससे बड़े, लंबे और उससे ज़्यादा सुंदर थे. And they had experience also in many of the things. और उनके पास दूसरे चीज़ों में भी ज़्यादा अनुभव था. Remember that David had 7 older brothers, and they all were having more experience than David. और ये याद रखे कि जो दाऊद था, उसके 7 बड़े भाई थे, और उनके सबके पास अनुभव ज़्यादा थे. So father. Jesse, he did not even bother to call David when Prophet Samuel came to his house to find the next king of Israel. और इसलिए उसके जो पिता हैं यीशे, वो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं की कि जब जो भविष्यवक्ता शमूएल आया राजा की नियुक्त करने के लिए, तो उसने अपने दाऊद को निकालने के बारे सोचा भी नहीं. Oh, he is small. He is too young. वो तो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है. So he called all his children except David. और उसने अपने सारे बच्चे को बुलाया सिवाय दाऊद के. Because David is not king's material. और क्योंकि जो दाऊद है वो राजा बनने के लायक नहीं है. He is not fitting to be king according to his father. और पिता के अनुसार जो दाऊद है वो राजा बनने के लायक नहीं है. So what he did, he called all of his sons who has more experience, who are taller, who are bigger, who look like a warrior, and he called everybody and presented them before Prophet Samuel. और उसके पिता ने क्या किया, उसके बाकी 7 भाइयों को जो कि बड़े थे, जो कि सुंदर थे, लंबे थे, उन्हें शमूएल के सामने उसने दिखाया. So Samuel said, "Oh, none of this, you know. Do you have any other son?"
फिर शमूएल ने इस प्रकार कहा कि नहीं नहीं इनमें से कोई नहीं, तुम्हारा कोई और बेटा है क्या? Then Jesus said, "Yes, I have one. He's in farm. Let's wait. I'm going to call him." और फिर यीशु ने बोला कि हाँ एक और बेटा है, वो खेत में मैं बुला के लाता हूँ. And finally, when Samuel saw David, he said, "That's the king of Israel. That's the next king of Israel." और जब शमूएल ने दाऊद को देखा तो कहा यही है इज़राइल का अगला राजा. Friends, people judge you by your outside. और दोस्तों जो लोग बाहरी तौर पर वो आपका न्याय कर रहे हैं, People judge you by your appearance. और लोग आपको बाहरी तौर से वो आपका आपको देखते हैं. Like people judge me, I'm very rich guy. क्योंकि जिस प्रकार से लोग मुझे सोचते हैं मेरे बारे कि मैं बहुत अमीर हूँ. And wife is a foreigner. और पत्नी तो एक विदेशी है. So whenever I go to foreign people on the street, they have they queue on the on the road with full of bags full of dollars. So Rakesh will go and did all the dollars. और लोग इस प्रकार सोचते हैं कि अगर मैं विदेश जाता हूँ तो सड़क में लोग लाइन लाके लोग बैठते हैं पूरे पैसा भर के टोकरी के, मैं जब जाऊंगा तो मैं उनसे ले लूंगा. But they don't know that in one month I may have to do 25 meetings morning and evening. लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि जब मैं एक महीने के लिए जाता हूँ तो दिन रात मुझे मिला के 25 सभाओं में जाना पड़ता. So people judge outside appearance. और जो लोग हैं वो बाहरी तौर पर वो देखकर न्याय करते हैं. They judge by your education. वो आपकी शिक्षा के अनुसार आप. They judge by your nationality. और वो आपके राष्ट्रीयता को देखकर वो न्याय करते हैं. Sees your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है. You know, in Ranchi, when I'm working in Ranchi, some people said about some people, oh, they are too proud because they are too rich. They are too proud. और कई जब मैं यहाँ काम करता हूँ कुछ लोग मुझसे इस प्रकार बात करते हैं, वो बहुत अमीर है इसलिए बहुत घमंडी है. But when I went there, I found the person is very humble and nothing to be with the proud. और जब मैं उस व्यक्ति के पास गया तो मुझे पता चला कि वो इतना नम्र है, वो कुछ भी घमंड नहीं. And I became very close friends of them. और मैं उनसे बहुत मेरी नजदीकी से मित्रता हो गई. So people think this person is very tough. और लोग सोचते हैं ये व्यक्ति जो है बहुत ही कठोर है. And even some of the people there, some of the children, they don't want to call me. They said the thing is he is a Dracula. He is Rakshas. और कई बार जो कुछ बच्चे वो मुझे फोन नहीं करना चाहते क्योंकि सोचते कि मैं Dracula. So disciplined, you know. He will be very angry. He will be upset, you know. और वो सोचते कि बहुत गुस्सा में रहेगा, वो गुस्सा आ जाएगा उन्हें. Can I change? Can I not lead the worship today? I need your permission. You know what is this? You know. People judge by outside appearance. और जो लोग हैं वो बाहरी तौर पर देखकर वो न्याय करते हैं. But God sees our heart. लेकिन परमेश्वर वो हमारे हृदय को देखता है. Hallelujah. Hallelujah. People may not see your heart. और लोग आपके हृदय को हो सकता नहीं देख पाए. But God sees. So when Jesse thought that David is not fitting to be king because he's not king's material, but Samuel said, That's the king of Israel. और जब यीशु ने दाऊद को देखा तो सोचा कि भविष्यवक्ता, जब शमूएल से देखा तो कहा कि यही इज़राइल का अगला राजा. Friends, we may try our best to get promotion, but remember, promotion comes from the Lord. और हो सकता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हमारे पद में उन्नति हो, लेकिन याद रखे जो बढ़ोतरी है बढ़ती वो परमेश्वर की ओर से आती है. Humble yourself before the Lord, so He will lift you in not in your time, but on the right time. और अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर आपको उठाएगा आपके समय पे नहीं परंतु अपने सही समय. Sometimes we force ourselves. Oh, I am the one. Lift me. I should be like this. But no. Promotion comes from the Lord at right time. और कई बार हम अपने आप पे जबरदस्ती करते हैं कि मुझ पर ये समय है मेरा, मुझे उठाए, लेकिन परमेश्वर सही समय पर आपको उठाएगा. Listen, your inside is more powerful than outside. और आपका जो अंदरूनी जो आप है वो ज्यादा शक्तिशाली है. And God is so interested in our inside. और परमेश्वर हमारे अंदर के लिए बहुत ज्यादा रुचि रखता है. You know, David, he was already anointed as a king. और दाऊद पहले से ही राजा के रूप में वो अभिषिक्त था. But he was not appointed as a king. लेकिन वो राजा के लिए नियुक्त नहीं था. Listen this, he was anointed as a king. और वो राजा के रूप में अभिषिक्त था. But it took years for him to become king. लेकिन उसे सालों साल लग गए राजा बनने के लिए. David, he was appointed already anointed by Samuel.
और जो दाऊद वो पहले से ही शमूएल के द्वारा उसे अभिषेक मिल चुका था। All family came to know that he is going to be the next king of Israel। और पूरा परिवार ये जान चुका था इज़राइल का अगला राजा। All the relatives they came to know that he is going to be the next king of Israel। और सारे संबंधी जान गए थे कि वो इज़राइल का अगला राजा है। But what David is doing now? लेकिन अब दाऊद क्या कर रहा है? David is taking care of the sheep। और दाऊद भेड़ की रक्षा करता है। David is taking care of the sheep। और दाऊद भेड़ों की वो ख्याल कर रहा है। And he is cleaning the sheep, he is feeding the sheep। वो भेड़ों को साफ कर रहा है, उसे खाना खिला रहा है। And he went the extra mile that he has lot of sheep, lot of animals, and one day one bear came and attacked one sheep। और एक दिन जब दाऊद कुछ मीलों चल रहा था अपने भेड़ के साथ में, तो कुछ मील नहीं चला था। He went to the extra mile. He walked so, he gave his soul, he gave full of his strength to save his sheep। और जो दाऊद है वो अपने भेड़ को बचाने के लिए अपना उसने सब कुछ लगा दिया। He is not doing just somehow work. He is doing with full of his heart and full of his mind. और जो दाऊद है वो किसी तरह नहीं, लेकिन अपने पूरे मन और पूरे हृदय से काम को कर रहा था। He fought with a lion and fought with a bear to protect his animal. और वो शेर से और भालू से लड़ गया ताकि अपने भेड़ को बचा सके। Jesus said, if somebody asks you to go one mile, go another mile. और यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमसे कहता है कि कुछ दूर चलो, तो तुम कुछ और दूर चलो। Says that David's attitude, that though he was anointed as a king, but still humbly he was taking care of the sheep. और दाऊद का यही बर्ताव था कि वो जबकि राजा के लिए अभिषिक्त हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने आप को नम्र करके वो भेड़ों का ध्यान रखता था। He proved to God that God, I am faithful in taking care of the sheep, though I am already anointed as a king. और दाऊद ने परमेश्वर को इस बात के लिए प्रमाणित कर दिया कि मैं राजा के रूप में अभिषिक्त तो हूँ, लेकिन भेड़ को मैं ध्यान रखने के लिए मैं पूरा अपना वफादारी दिखाता हूँ। Think about you. अपने बारे आप सोचे। That you are anointed as a Prime Minister of India. कि आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अभिषिक्त हैं। That next after 3 years you will be the Prime Minister. कि अगले 3 वर्ष के बाद आप प्रधानमंत्री बनेंगे। And I ask you that you know what you have to come and clean the house. और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आना है और घर साफ करना है। You will tell me you clean the house because I am already anointed as Prime Minister. और आप क्या बोलेंगे कि आपको साफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो पहले से प्रधानमंत्री। And you don't only clean my house but clean my shoes also. लेकिन तुम मेरे घर को साफ भी ना करो लेकिन मेरे जूते भी। Why? Because I am already anointed as the king. क्योंकि मैं पहले से राजा के मैं राजा के रूप में अभिषिक्त हूँ। You see, David did not do that. और आप देखते हैं राजा दाऊद ने इस प्रकार से नहीं किया। Though he was anointed, but he was not appointed, and but still he served, his work, what he did with full of his heart, full of his energy, and he went extra mile to protect his animals. और राजा दाऊद राजा होने के लिए वो अभिषेक तो था, लेकिन नियुक्त नहीं किया गया था तब तक, और वो अपने भेड़ों को बचाने के लिए उसने अपनी सब पूरी जान लगा दी। If you are not, remember, if you are not faithful in the wilderness, you will never be faithful in the promised land. और यदि आप वीरान स्थान में परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य नहीं हैं, तो आप प्रतिज्ञात जगह में भी परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। If you are not faithful in the wilderness, you will never be faithful in Canaan. और यदि आप वीरान जगह में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, तो कनान में परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य नहीं हैं। A friend of mine was saying me yesterday that I want to earn so much money that every month I want to keep 50,000 rupees to enjoy my life. और मेरे एक दोस्त इस प्रकार से कह रहा था कि मैं इतना इतना ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ कि हर महीने 50,000 अपने आनंद के लिए मैं बचाना चाहता हूँ। And I told him, if you cannot enjoy right now your life, you cannot enjoy even you will get the 10 crore rupees. और मैंने उन्हें बोला कि यदि आप इस वक्त अपने जीवन में आनंद नहीं उठा रहे हैं, तो जब आपको 10 करोड़ भी मिलेगा तो भी आप आनंद नहीं उठा पाए। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर एनॉइंटेड बट यू आर नॉट अपॉइंटेड, योर एटीट्यूड मैटर्स. That will lead you to the king's place. और जब आप अभिषिक्त हैं लेकिन नियुक्त नहीं किए गए, उस वक्त आपका बर्ताव या व्यवहार बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही आपको राजा के स्थान पर ले जाएगा। You have a dream, you have a promise, and you have anointing. और आपके पास एक स्वप्न, एक दर्शन है, आपके पास एक आपके पास स्वप्न है और आपके पास अभिषेक है। But still,
you are not in the palace. कि फिर भी आप अभी तक महल में नहीं हैं। Still you have to take care of the sheep. और अब भी आपको अपने भेड़ों की रक्षा करनी है। Still you have to feed the sheep. और अब भी आपको अपने भेड़ों को खिलाना है। Still you have to clean the sheep. और अब भी आपको अपने भेड़ों को साफ करना है। Still you have to protect the sheep. और अब भी आपको अपने भेड़ों की रक्षा करनी है। Your attitude when you are anointed but not appointed will decide whether you are going to receive the place of the king or not. और जब आप अभिषिक्त हैं लेकिन नियुक्त नहीं किए गए हैं उस वक्त का जो आपका बर्ताव है वो निर्धारित करता है कि आप राजा बनेंगे या नहीं. Give your best in the work even if you are overqualified. और आप अपने कार्य में अपना सबसे अच्छा करें यदि आप उस कार्य के लिए बहुत ज्यादा भी योग्य हैं. Maybe your qualification is too high. हो सकता है कि आपकी योग्यता बहुत ऊंची है. But still give your best even if you have not got the work according to your qualification. और यदि आप जब आपको कार्य मिलता है तो आपकी योग्यता के अनुसार यदि आपको कार्य नहीं भी मिला तो भी आप अपना सबसे. And David was very faithful and sometimes he may be thinking, oh my God, I am already anointed and people know about me. Now they are laughing because when they see me taking off the sheep, feeding the sheep and cleaning the sheep, they will be laughing. Oh, what happened to this king? He is supposed to be the king, but now he is doing the lowest job. और दाऊद इतना ज्यादा विश्वास योग्य था कि जब इतनी सारी चीजें चल रही थी वो सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि अरे ये तो राजा बनने वाला है लेकिन फिर भी ये भेड़ों को वो रक्षा करता है, साफ करता है, खिलाता है. People are laughing at him. Maybe they are mocking at him. और हो सकता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे. But he continued doing his work. लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करता रहा. 1 Samuel 16:19 says. और पहला शमूएल उसका अध्याय 16 का पद 19 इस प्रकार से कहता है. Bible says that Saul, you know, he sent a messenger to Jesse. Send me your son David, who takes care of the sheep. और फिर शाऊल ने दूतों के हाथ ईशा के साथ कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे. जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे. Send me David, the shepherd, the one who stays with the sheep. और उस दाऊद को भेज दे जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है. It's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. Anointing is there. और अभिषेक है. Promise is there. प्रतिज्ञा है. ड्रीम इज देयर. स्वप्न है. बट स्टिल यू हैव नॉट रीच्ड टू दैट पोजीशन. लेकिन फिर भी आप उस पद तक नहीं पहुंचे हैं. ही इज फेथफुली डूइंग दिस लो जॉब. और वो विश्वास योग्यता से वो अपने छोटे काम को भी कर रहा है. द बाइबल सेज दैट किंग सॉल वाज टॉर्चर्ड बाय अ स्पिरिट. और बाइबल बताती है कि राजा शाऊल एक आत्मा के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था. So his staff told him that, hey king, if you listen to music, you will get relief. तो उसके उनके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति ने उसे बोला कि यदि आप संगीत सुनेंगे तो आपको आराम मिलेगा. We know one boy, his name is David, and he plays harp. और उसने बोला कि हम एक व्यक्ति को जानते हैं दाऊद जो कि हार्प बजाता है. So why don't we call him? तो क्यों ना हम उसे बुलाएं? And king said, go to the Jesse house and ask him to send his son David, who is a shepherd who takes care of the sheep. और फिर राजा शाऊल ने अपने काम करने वाले व्यक्ति को बोला कि यीशु के पास जाओ और बोलो कि दाऊद को भेजो जो भेड़ बकरियों के साथ. You see his identity still is a shepherd, the one who takes care of the sheep. और आप देख सकते दाऊद का पहचान अब भी वही है कि वो है जो भेड़ बकरियों को. But he is already anointed as a king. लेकिन पहले से ही वो राजा के लिए अभिषिक्त हो चुका है. And if we are anointed as a chief minister, we will write upcoming chief minister, isn't it? और यदि हम मुख्यमंत्री के लिए पहले से अभिषिक्त होंगे तो हम लिखेंगे कि बनने आने वाला मुख्यमंत्री. भावी मुख्यमंत्री. और भावी मुख्यमंत्री. But what identity still David is carrying? लेकिन अब भी कौन सा पहचान दाऊद लिए चल रहा था? Faithfully he is taking care of the sheep. और वो विश्वास योग्यता से भेड़ बकरी. Maybe he is overqualified. हो सकता है कि वो उसके लिए उसके पास बहुत ज़्यादा योग्यता है. Why? Because he is already anointed. और क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से अभिषेक है. He is anointed as king. और वो राजा के रूप में अभिषेक है. And the Bible says, so the king sent the guards, go and get this David. और बाइबल बताता है कि राजा ने इस व्यक्ति को भेजा कि जाओ
And then Jesse heard the knock at the door. और फिर यीशु ने दरवाजे पे उस खटखटाहट को सुना. He found soldiers are coming in the uniform. और उसने देखा कि जो सैनिक है वो अपने पूरे वर्दी में आ रहे हैं. They got very afraid. और वो बहुत डर गए. And they asked, "Where is David?" King asked for David. और उन्होंने पूछा, दाऊद कहाँ है? राजा दाऊद को ढूंढता है. Remember, no one has ever worked in the king's palace from Jesse household. और आप ये पाएंगे कि राजा के महल में यीशु के घराने से किसी ने भी काम नहीं किया. Nobody has ever walked there. और कभी भी कोई वहां नहीं गया था. But in a moment of time, लेकिन समय के एक क्षण में David was working in the background, he came in the front ground. और जो दाऊद है वो जो पीछे वो काम कर रहा था उसे सामने लाया गया. हालेलुया. From the lowest work to work as a shepherd to take care of the sheep in the highest position, be in the king's palace. और सबसे नीचे स्थान पर जब जहां वो भेड़ों की रक्षा करता था उसे सीधा सबसे ऊपर स्थान पर वो राजा के महल में काम करने के लिए ले जाया गया. हालेलुया. हालेलुया. From the shepherd to the palace. चरवाहा से महल. From nowhere to somewhere. और कहीं नहीं से कहीं पर. From lowest to highest. और सबसे निचली जगह से सबसे ऊपर स्थान पर. What happened? क्या हुआ? Time of favor came for David. और अनुग्रह का समय दाऊद के जीवन में आ चुका. I am the Lord. This is what the Bible says. बाइबल बोलता है कि मैं यहोवा हूँ. I will work quickly at the right time. और मैं सही समय पर शीघ्रता से कार्य करूंगा. Continue to follow Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के पीछे चलते रहें. His best time came. और उसका सबसे अच्छा समय His right time came. और उसका सही वक्त आ गया था. He woke up as a shepherd. और वो चरवाहा के रूप में वो जागा. But he slept as important person. लेकिन वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में वो सोया. Suddenly favor of God came and everything is changed. और अचानक से परमेश्वर का अनुग्रह आया और सब कुछ बदल गया. There's another character in the Bible called Joseph. और बाइबल में एक दूसरा पात्र है वो यूसुफ. Joseph was in the prison for the things that he has not done. और यूसुफ कैद में उस चीज के लिए था जो उसने किया ही नहीं. All troubles came to him because he saw the dream. और सारे जो समस्या आई वो क्योंकि उसने वो सपना देखा था. His brothers started feeling jealous of him. और उसके सारे जो भाई हैं उससे वो जलने लगे थे. So remember that some people will always feel jealous of you. और याद रखिए कुछ लोग हमेशा आपसे जलेंगे. If some people they don't like you. यदि कुछ लोग आपको still follow your Facebook. और फिर भी आपके Facebook में वो follow करते हैं. What you are doing in your social media? कि आप social media में क्या कर रहे हैं? And they don't like you. और वो आपको नहीं पसंद करते. It means they are your fan. इसका मतलब है कि वो आपके fan हैं. Right. सही है. Joseph had a dream and suddenly everybody wants to listen what is the dream but everybody started having jealous against him. Jealousy against him. और यूसुफ ने स्वप्न देखा. सभी इसको सुनने के लिए तैयार थे लेकिन सभी उसे जलने लगे. And he did not appoint the dream for himself. और यूसुफ ने अपना जो स्वप्न है उसने खुद निर्धारित नहीं किया था. But he knew that his time is coming. The set time of God is there for him. लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर के नियुक्त समय उसके जीवन में आ रहा है. Now listen to this. God has solution even before your problem has started. और परमेश्वर के पास वो पहले से समाधान आपके लिए है जबकि आपकी समस्या शुरू भी नहीं हुई था. Pharaoh he was the top guy of the और जब फिरौन है वो अपने देश का सबसे ऊंचा आदमी था. He had a dream. और उसने एक सपना देखा. And in the dream, he was so restless now that nobody is there to interpret his dream. और जो फिरौन है वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया क्योंकि उसके सपना का मतलब कोई नहीं. So the Bible says in Genesis chapter 41 verse 14. और बाइबल बताती है उसका 41 का पद 14 में. Pharaoh sent for Joseph. और फिरौन ने यूसुफ को बुलाया. And he was quickly brought. और वो तुरंत ही लाया गया. Remember, quickly brought. और याद रखे तुरंत लाया गया. He saved his beard. He took a good cloth.
now he is before the Pharaoh. और उसने अपनी दाढ़ी बनाया, उसने अच्छे कपड़े पहने, अब वो फिरौन के सामने हैं. Pharaoh sent for Joseph quickly. और फिरौन ने बोला कि तुरंत ही यूसुफ को लेके आओ. Remember? याद रखे. Remember? याद रखे. Saul sent for David. Bring David to me. और आपको याद है कि यहाँ पे शाऊल ने भी बोला कि तुरंत ही दाऊद को लेकर आओ. Bring the shepherd David to me. और चरवाहा दाऊद को मेरे लिए लेकर आओ. Pharaoh sent the soldiers. Bring the prisoners to me. और फिरौन ने सैनिक को भेजा कि उस कैदी को मेरे पास लाओ. And suddenly he is now not in the prison but in the king's palace. और अचानक से अब वो कैद में नहीं लेकिन वो राजा के महल में है. Joseph, remember, Joseph, he slept like a slave. और याद करें, यूसुफ एक कैदी के रूप में सोया. At night he is sleeping in the prison as a slave. और रात was an ordinary morning for him. और ये बहुत ही साधारण सी उसके लिए सुबह थी. Ordinary breakfast for him. और बहुत ही साधारण सा नाश्ता था. Nothing new has happened. और कुछ नया नहीं था. But suddenly he is appeared before the Pharaoh. लेकिन अचानक से उसे फिरौन के सामने आना पड़ा. He woke up as slave. और वो एक कैदी के रूप में जागा. But same day he slept as prime minister. लेकिन उसी दिन वो एक प्रधान मंत्री के रूप में वो सोया. Hallelujah. Hallelujah. What happened? क्या हुआ? The time of favor came. और वो अनुग्रह का समय आया. I am the Lord. When the right time come, I will act quickly. और मैं यहोवा हूँ और समय सही समय में मैं शीघ्रता से पूरी करूंगा. The forces which are for you are much stronger than the forces which are against you. और जो सामर्थ आपके लिए है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है वो शक्तियों से जो आपके विरोध में है. Hallelujah. Hallelujah. The forces which are for you are much stronger than the forces which are against you. और वो सारे सामर्थ जो आपके विरोध में है उससे ज्यादा शक्तिशाली है वो सामर्थ जो आपके लिए है. Hallelujah. Hallelujah. I am the Lord. When the time comes, when the right time comes, I will act quickly. This is what the Bible says. बाइबल यही बताती है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरी करूँगा. Maybe you have promise. हो सकता है आपके पास में प्रतिज्ञा है. You have a dream. आपके पास एक स्वप्न है. You have anointing. आपके पास अभिषेक है. But you have not reached still to that position which God has set for you. और हो सकता है और अब भी आप उस स्थान पे नहीं पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है. Don't worry. आप चिंता ना करें. Your right time is coming. आपका सही समय Your आ रहा set है. Time is coming. आपका नियुक्त समय आ रहा है. God has already put you in his calendar. और परमेश्वर ने पहले से अपने कैलेंडर पे वो लिख लिया है. And he knows that when he is going to lift you. और वो जानता है कि वो आपको कब ऊंचा उठाए. Do not force yourself. अपने आप को आप अपने आप में जबरदस्ती ना करें. But maybe you be king but still you are working as a shepherd. और हो सकता है कि आपको राजा बनना है लेकिन अब भी आप चरवाहे के maybe you supposed to be the top of everything but still you are working as one of the member. और हो सकता है कि आपको सबसे ऊंचे में काम करना है लेकिन उसमें से एक सदस्य के रूप में आप काम कर रहे हैं. Your set time is coming. आपका नियुक्त समय जल्द आ रहा है. Your set time is coming. आपका नियुक्त समय जल्द आ रहा है. Hold on to the promise of God and the dream of God and still continue to be faithful in the works that you are doing. और आप परमेश्वर के उस दर्शन पे और उस वायदे पर बने रहे क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है वो आपके जीवन में होने वाला है. Psalm number 112 verse 4 it says. और भजन संहिता 112 का पद 14 इस प्रकार से कहता है. Psalm number verse 112 verse 4 it says. और भजन संहिता 112 का पद 12 इस प्रकार से कहता है. When the darkness overtakes the righteous, light will come bursting in. When the darkness overtakes the righteous, the light will come bursting in. Verse 4, 112 verse 4. सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है. ज्योति उदय होती है. The light will come bursting in when the darkness is going on. और जब एक अंधकार है उसके बीच में ज्योति उदय Maybe you are going through some kind of confusion, the darkness and the worry.
हो सकता है कि आप किसी प्रकार के अंधकार से, आप चिंता से गुजर रहे हैं. Praise the Lord, the right time is coming, the light is coming for the coming as busting in. और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि आपके लिए जो ज्योति है वो उदय हो रही है. Healing is coming, promotion is coming. चंगाई और पदोन्नति आ रही है. And something great is going to happen because God has set a time and He has promised that a small family will become a tribe and a small tribe will become a great nation. और जो परमेश्वर के सही समय वो जल्द आ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि एक छोटा परिवार जाति बनेगा और एक जाति एक महान राष्ट्र में बदल जाएगा. First Samuel chapter 1. पहला शमूएल उसका अध्याय एक. हन्ना, she was a barren lady. और हन्ना एक बांझ स्त्री थी. And Peninnah, you know, this other lady, she was having a baby year and after an year. और जो पनिन्ना है वो दूसरी स्त्री है जिसके बच्चे एक साल के बाद. The Bible says the Lord has shut the womb of Hannah. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद रखा. Praise the Lord, the same Lord who shuts the womb, the same Lord he opens the womb. और परमेश्वर धन्यवाद हो कि वही परमेश्वर जो कोख को बंद करता है वही कोख को खोलता भी. Hallelujah. For his glory he does the things. क्योंकि अपनी महिमा के लिए वो कार्य को करता है. So Hannah was crying and one day she was crying in the temple and the prophet, the priest Eli told her that she is going to have a baby. और एक दिन वो महल के सीढ़ियों में रो रही थी और जो भविष्यवक्ता एली है. In the temple. और वो मंदिर में वो रो रही थी और फिर भविष्यवक्ता एली ने बोला कि तुम्हारा बच्चा होगा. And she believed. और उसने ये विश्वास किया. And the Bible says she put a smile on her face. और बाइबल बताती है कि वो मुस्कुरा उठी. She has not seen the baby yet. उसने अभी तक बच्चा नहीं देखा. She is not conceived yet. उसने अभी तक गर्भधारण नहीं किया था. But she has put a smile on her face. लेकिन वो मुस्कुराई. Why? क्यों? Because she has promised. क्योंकि उसने वायदा पे भरोसा. She knows that my set time is coming. वो जानती थी कि मेरा नियत समय आ रहा है. My right time is coming. मेरा सही समय आ. And when the right time comes, God will fulfill His promise. और जब सही समय आता है तो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है. Friends, your right time is coming. मित्रों, आपका सही समय आ रहा है. Your set time is coming. आपका नियुक्त समय आ रहा है. Why not we give our life to Jesus? और क्यों नहीं अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें? Why not we say, God, I fully trust in you? और क्यों ना परमेश्वर से कहे, प्रभु हम पूरे मन से आप पर भरोसा रखते हैं? Why not even though we are anointed but we are not appointed, why not we work faithfully? और चूंकि अभी हम अभिषिक्त हैं लेकिन नियुक्त नहीं किए गए हैं तो क्यों ना हम विश्वासियों के ठहरे रहें? Maybe we have not yet come in our best days, why not we be faithful wherever we are working, wherever what we are doing, maybe in the family, in the job, maybe whatever small things are given to us, maybe we are shepherd, we are taking care of the sheep, why not do with full of our heart, full of our mind, when we prove to God that we are faithful in small thing, the great thing will come for us. और चूंकि आपको जो स्थान पे पहुंचना है आप उस स्थान पे नहीं पहुंचे तो क्यों ना विश्वासी होके बने रहे जहां हम कार्य करते हैं, जहां पर हम रहते हैं अपने घर में या अपने नौकरी में. यदि आप एक चरवाहे हैं तो अपने भेड़ को आप रक्षा करके आप परमेश्वर प्रमाणित करें कि प्रभु मैं विश्वास योग्य हूं. Remember Joseph and David, they were faithful. याद रखें यूसुफ और दाऊद विश्वास योग्य थे. They did not go to the opportunity. वो मौके के पास नहीं गए. The opportunity came seeking them. और मौके उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास आया. Pharaoh asked for them. For Joseph. और फिरौन ने यूसुफ को कहला भेजा. King Saul called David. और राजा शाऊल ने दाऊद को बुलाया. Opportunity was knocking the door. और मौका दरवाजा खटखटा रही थी. You be faithful and opportunity will make a call to knock the door for you. और आप विश्वासियों के बने रहे तो मौके आपके पास आएंगे, आपके दरवाजा को खटखटाएंगे. One call will change your life. एक बुलाहट आपकी जिंदगी बदल देगी. One opportunity will change your life. एक मौका आपकी जिंदगी को बदल देगा. One favor connection is going to make something big difference in your life. और आपके लिए एक अनुग्रह का जो रिश्ता है वो आपकी जिंदगी को बदल देगा. But don't go after it somehow to make it. लेकिन आप पीछे आगे किसी तरह हो जाए. When the right time is coming, I am the Lord, I will act quickly. और मैं यहोवा हूँ और अब सही समय पर मैं शीघ्रता से पूरी करूंगा. हालेलुया. हालेलुया. I will give you opportunity today to call upon the name of the Lord. और मैं आपको अभी मौका देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के नाम को पुकारें.
Say to the Lord, कहें प्रभु को, Yes, I am anointed. हाँ प्रभु मैं अभिषिक्त हूँ. But not appointed yet. लेकिन अब तक नियुक्त नहीं किया गया हूँ. I want to do excellent, Lord. Maybe whatever small or great what I'm doing. और प्रभु मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ. मैं जो भी काम कर रहा हूँ छोटा या बड़ा. And I tell you. और मैं बता दूँ. Opportunity will come and seek you and lift you up. और मौका आपको ढूंढते हुए आएगी और आपको ढूंढेगी और आपको ऊंचा करेगी. May God richly bless you. परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष